तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द सात्विक आर्ट स्टूडियो। तो ये है नया दिन, आज से फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे राजा कर्ण की पिक्चर, जो कि राजा कर्ण है, जो कि अधिरथ के पुत्र है, राधे राधा के पुत्र है, और तो और सूर्य पुत्र है, कुंती के पुत्र है, उनके बहुत सारे नाम है, जो कि दुर्योधन के मित्र है और पांडवों के बड़े भाई है। तो राजा कर्ण जो कि अंग देश के राजा होते हैं, और उन्हें भगवान सूर्य के आशीर्वाद से वज्र समान एक कवच होता है, और उनके शरीर पे कुंडल भी होते हैं, जिसे राजा इंद्र देवराज, देवों के राजा इंद्र, उनसे मांगने की इच्छा रखते हैं। तो आज हम लोग राजा कर्ण की पिक्चर को कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं स्किन टोन का यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, जो कि ब्रुष्टो की पेंसिल है। ब्रुष्टो की ये पेंसिल के अंदर 24 कलर मैंने बाय किया था, और ये मुझे 800 रुपीज़ में मिला था, जो कि मैंने सिटी से बाय किया था, सिटी पे जाके ऑफलाइन ही बाय किया था। और दूसरा जो कि डॉर्मेंट की थोड़ी पेंसिल है, उसका भी क्योंकि ज़्यादा डार्कनेस डॉर्मेंट के अंदर मिलेगी, उससे मैं जो इंद्र राजा है उनकी पिक्चर आपके सामने है, और दूसरी पिक्चर दोस्तों कर्ण राजा की, जो कि आज मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे वो अपना कवच निकाल के उन्हें वापस देंगे, इसके लिए दोस्तों उन्हें बहुत ही तकलीफ हो रही है, ये पिक्चर में यही बताया गया है। और इससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र उन्हें एक शक्ति प्रदान करते हैं, वास्तविक शक्ति, क्योंकि वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं, जिससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसका प्रयोग तुम एक बार कर सकते हो, क्योंकि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ हूँ कि तुमने बिना संकोच किए अपना कवच और कुंडल दे दिया है, क्योंकि वो हर रोज सुबह याचकों और ब्राह्मणों को जब वो स्नान करके निकलते थे, उनसे जो भी कोई कुछ भी मांगता था वो बिना हिचकिचाहट के दे देते थे। तो दोस्तों यही है एक योग्य पुरुष की डेफिनेशन कह सकते हैं आप, निशानी कह सकते हैं। तो धर्म का यही सबसे बड़ा राजा कर्ण को दिखाया गया, तो ये पिक्चर इसी के लिए बनाया है। तो गाइस, आज ये एक नया व्यू है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, एक नया व्यू है। यहाँ से मैं आपको राजा अंग देश के कर्ण राजा की कहानी मैंने आपको बताई है। इसका पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि अभी बैकग्राउंड बाकी है। अंगराज तो बन चुके हैं, और अब उनकी जो प्रतिमा है, जो स्केच है, आप देख लीजिए मैंने किस तरह से बनाया है। इसका पूरा एक मैं छोटा सा शॉर्ट भी अपलोड कर रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, अंगराज कर्ण अपने वस्त्र और
अपने कवच कुंडल को निकाल कर देवराज इंद्र को दे देते हैं और उसके बाद देवराज प्रसन्न होकर उन्हें वासवी नाम की एक शक्ति देखते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारे जैसा दानवीर ना हुआ है ना कभी होगा। और उसके बाद वो वहाँ से इंद्रलोक यानी महेंद्रवती यानी कि